गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने टेस्ट के पहले क्वेश्चन थ्री प्रश्नों के उत्तर दीजिए, उसमें पहला था वो हमने लिख लिया था, दूसरा भी हमने लिख लिया था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला था, यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहेंगे। तो मैंने आंसर लिखवाया था कि यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं उनसे कहूँगा, प्रभु मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए कि कठिन विषय भी मुझे सरल लगे, आपकी कृपा से स्वस्थ शरीर और ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि पाकर मैं व्यापार के क्षेत्र में अच्छा यश पाऊँ और अपने माता पिता तथा अन्य स्वजनों को किसी तरह का दुख न पहुँचने दूँ। इतना ही नहीं, मैं समाज की सेवा करने में भी समर्थ बन सकूँ और अपने देश को भी कुछ लाभ पहुंचा सकूं। तो इस प्रकार मैं भगवान से और अपने परिवार, समाज और देश को सुखी बनाने की शक्ति और सामर्थ्य मांगूंगा। दूसरा देखा था, अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकते हैं। तो अच्छी व्यक्ति की संगति से मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ सकूंगा, मेरा चरित्र अच्छा बनेगा, मेरे विचार अच्छे बनेंगे, मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी, मैं समय का सदुपयोग करूंगा, दुर्व्यसनों में धन और शरीर की बर्बादी होती है, अच्छे व्यक्ति की संगति मुझे इस बर्बादी से बचाएगी, उससे मुझे अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, सभी बाधाओं को दूर करने के उपाय मिलेंगे, जीवन में सुख शांति से रहने का तरीका मिलेगा। इस प्रकार अच्छे व्यक्ति की संगति हर तरह से मेरे लिए वरदान सिद्ध होगी। तीसरा लिखते हैं अभी, तीसरा क्वेश्चन है, लोग धर्म के नाम पर कौन से आडंबर करते हैं। लोग धर्म के नाम पर कौन से आडंबर करते हैं। आंसर लिखिए, लोग धर्म के नाम पर दाढ़ी बढ़ाते हैं, लोग धर्म के नाम पर दाढ़ी बनाते हैं, बढ़ाते हैं, सिर पर जटा झूठ रखते हैं, तरह तरह के तिलक करते हैं, अलग अलग तरह की मालाओं से जप करते हैं, अलग अलग तरह की मालाओं से जप करते हैं, गले में तरह तरह की मालाएं धारण करते हैं, गले में तरह तरह की मालाएं धारण करते हैं। पैराग्राफ, धर्म के नाम पर लोग देव देवियों के भोग के नाम पर तरह तरह के व्यंजन बनाकर उनके सामने रखते हैं। भगवान पर सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं, धर्म के नाम पर कहीं कहीं पशुओं की बलि भी दी जाती है, पैराग्राफ, इस प्रकार धर्म के नाम पर लोग अनेक प्रकार के आडंबर करते हैं,
अनेक प्रकार के आडंबर करते हैं। अनेक प्रकार के आडंबर करते हैं। पूरा आंसर, लोग धर्म के नाम पर दाढ़ी बढ़ाते हैं, सिर पर जटा जूट रखते हैं, तरह तरह के तिलक करते हैं, अलग अलग तरह की मालाओं से जप करते हैं, गले में तरह तरह की मालाएं धारण करते हैं। पैराग्राफ, धर्म के नाम पर लोग देवी देवियों के भोग के नाम पर तरह तरह के व्यंजन बनाकर उनके सामने रखते हैं, भगवान पर सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं, धर्म के नाम पर कहीं कहीं पशुओं की बलि भी दी जाती है। पैराग्राफ, इस प्रकार धर्म के नाम पर लोग अनेक प्रकार के आडंबर करते हैं। ओके, मतलब कि वो क्या कहना चाहते हैं कि लोग धर्म के नाम पर दाढ़ी बाल ये सब बढ़ाते हैं, तरह तरह के चंदन के कंकु के तिलक करते हैं, अलग अलग मालाएं जपते हैं, अलग अलग मालाएं हैं वो डोक में भी पहनते हैं, और धर्म के नाम पर घर पे अलग अलग मिठाइयां बना के भगवान के सामने रखते हैं, भगवान को सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं, उसके उपरांत कहीं कहीं धर्म में तो पशुओं की बलि भी चढ़ाते हैं। तो ये सब क्या है? आडंबर है। नेक्स्ट, उसके बाद का फोर्थ क्वेश्चन, लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं? लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं? तो आंसर लिखिए, एक कर कर लिखिए। एक, कुछ लोग जीविका का कोई साधन न होने पर मजबूर होकर भीख मांगता है। कुछ लोग जीविका का कोई साधन न होने पर मजबूर होकर भीख मांगता है। मतलब कि घणा लोग एवा होय जेनी पासे पैसा कमावा माटे कोई साधन न होय, तो एवा लोग मजबूर थईने भीख मांगे छे। हवे सेकेंड, एमा कुछ लोग भूकंप कोमा बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों में सब कुछ नष्ट हो जाने पर भीख मांगने लगते हैं। कुछ लोग भूकंप बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों में सब कुछ नष्ट हो जाने पर भीख मांगने लगते हैं। मतलब कि कुछ लोग जो भूकंप आता है या तो पानी बाढ़ आती है, तो ऐसे जो कुदरती प्रकोप है उसकी वजह से उसका सब कुछ नष्ट हो गया हो, इसीलिए वो भीख मांगने लगते हैं। तीसरा लिखिए, कुछ लोग अपाहिज हो जाने पर पेट भरने के लिए भीख मांगते हैं। कुछ लोग अपाहिज हो जाने पर पेट भरने के लिए भीख मांगते हैं। मतलब कि अगर कुछ अकस्मात हुआ और उसके हाथ या पैर चला गया हो, तो घर का खर्च पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं? भीख मांगते हैं। उसमें ही चौथा लिखिए, गुंडे बदमाश लोग बच्चों का अपहरण कर उन्हें अपाहिज बना देते हैं। तब वे बच्चे उन दुष्टों के लिए भीख मांगते हैं। गुंडे बदमाश लोग बच्चों का अपहरण करके उन्हें अपाहिज कर देते हैं, तब वे बच्चे उन दुष्टों के लिए भीख मांगते हैं। मतलब कि अत्यारे आपणे समाजमां જોઈએ છીએ કે ઘણા નાના નાના છોકરાઓ હોય એનું અપહરણ થઈ જાય છે, એને લઈ જવામાં આવે છે અને પછી એને અપાય છે, એટલે કે એના હાથ તો પગ કાપી નાખવામાં આવે છે,
અને પછી એવા દૃષ્ટવા માટે નાના નાના છોકરાઓ છે એ ભીખ માંગે છે. પાંચમું લખો એમાં ને એમાં, કુછ કામચોર ઓર બે શર્મ લોગ, કુછ કામચોર ઓર બે શર્મ લોગ, મહેનત કરને સે બચને કે લિયે, મહેનત કરને સે બચને કે લિયે, ભીખ કો હી અપના વ્યવસાય બના લેતે હૈ, ભીખ કો હી અપના વ્યવસાય બના લેતે હૈ. કુછ કામચોર ઓર બે શર્મ લોગ મહેનત કરને સે બચને કે લિયે, ભીખ કો હી અપના વ્યવસાય બના દેતે હૈ. મતલબ કે અમુક કામચોર અને બેશર્મ લોગ હોય છે એને મહેનત ન કરવી હોય એટલે ભીખ માગવાનું પોતાનો ધંધો ખડો કરી લે છે. ઓકે, તો અમારે ચારો ક્વેશ્ચન અહીંયા કમ્પ્લીટ હો ગયે. આગે હમ દેખતે હૈ સ્વાધ્યાય. સ્વાધ્યાય મેં પહેલા પ્રશ્ન હૈ, પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ. ઉસમે પહેલા હૈ કબીર, કબીર સાઈ સે કિતના માંગતે હૈ, કબીર સાઈ સે, કબીર સાઈ સે કિતના માંગતે હૈ. તો આન્સર લખીએ, કબીર કબીર સંગ્રહ કરના ઉચિત નહીં સમજતે, કબીર સંગ્રહ કરના ઉચિત નહીં સમજતે, કબીર સંગ્રહ કરના ઉચિત નહીં સમજતે. વે ભગવાન સે, વે ભગવાન સે ઉતના હી અન્ન ઓર ધન માંગતે હૈ, વે ભગવાન સે ઉતના હી અન્ન ઓર ધન માંગતે હૈ, જીતના ઉનકે પરિવાર કે, જીતના ઉનકે પરિવાર કે નિર્વાહ કે લિયે આવશ્યક હૈ, જીતના ઉનકે પરિવાર કે નિર્વાહ કે લિયે આવશ્યક હૈ, ઉનકે પરિવાર મે, ઉનકે પરિવાર મે કોઈ ભૂખા ન રહે, ઉનકે પરિવાર મે કોઈ ભૂખા ન રહે, ઓર દરવાજે પર આયા હુઆ, દરવાજે પર આયા હુઆ કોઈ સાધુ ફકીર ભી, કોઈ સાધુ ફકીર ભી ભૂખા ન જાય, સાધુ ફકીર ભી ભૂખા ન જાય. કબીર ઇસસે અધિક, કબીર ઇસસે અધિક પાને કી ઈચ્છા નહીં કરતે, કબીર ઇસસે અધિક પાને કી ઈચ્છા નહીં કરતે. પૂરા આન્સર, કબીર સંગ્રહ કરના ઉચિત નહીં સમજતે, વે ભગવાન સે ઉતના હી અન્ન ઓર ધન માંગતે હૈ, જીતના ઉનકે પરિવાર કે નિર્વાહ કે લિયે આવશ્યક હૈ, ઉનકે પરિવાર મેં કોઈ ભૂખા ન રહે, ઓર દરવાજે પર આયા હુઆ કોઈ સાધુ ફકીર ભી ભૂખા ન જાય, કબીર ઇસસે અધિક પાને કી ઈચ્છા નહીં કરતે. ઓકે, તો પહેલા ક્વેશ્ચન અમારા કમ્પ્લીટ હો ગયા. દૂસરા દેખતે હૈ, તો બિના સોચે કાર્ય કરને સે ક્યા હોતા હૈ, બિના સોચે કાર્ય કરને સે ક્યા હોતા હૈ. તો આન્સર લખીએ, સોચ સમજ કર, સોચ સમજ કર કાર્ય કરના હી બુદ્ધિમાની હૈ, સોચ સમજ કર કાર્ય કરના હી બુદ્ધિમાની હૈ. બિના સોચે સમજે, બિના સોચે સમજે કાર્ય કરને સે, બિના સોચે સમજે કાર્ય કરને સે કાર્ય બિગડ જાતા હૈ, કાર્ય બિગડ જાતા હૈ, કાર્ય બિગડને સે, કાર્ય બિગડને સે પછતાવા હોતા હૈ, કાર્ય બિગડને સે પછતાવા હોતા હૈ.
इतना ही नहीं दुनिया में हंसी होती है, दुनिया में हंसी होती है, लोग तरह तरह के ताने मारकर, लोग तरह तरह के ताने मारकर मजाक उड़ाते हैं, लोग तरह तरह के ताने मारकर मजाक उड़ाते हैं। इस तरह बिना सोचे समझे, इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने वाले की सॉरी कार्य करने वालों कार्य करने वाले को बिना सोचे समझे कार्य करने वाले को उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है, उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। पूरा आंसर देख लेते हैं। सोच समझ कर कार्य करना ही बुद्धिमानी है, बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है, कार्य बिगड़ने से पछतावा होता है। इतना ही नहीं दुनिया में हंसी होती है, लोग तरह तरह के ताने मारकर मजाक उड़ाते हैं, इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने वालों को उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन है वो हम समझ लेते हैं। पहले पहला लिखा वो कबीर साईं से कितना मांगते हैं, तो कबीर क्या कहते हैं कि कबीर संग्रह करना उचित नहीं मानते, मतलब किसी का भी संग्रह नहीं करना चाहिए, वो धन हो या खोराक हो। वे भगवान से उतना ही हन और धन मांगते हैं, मतलब एटलू ज खावानू अने एटला ज पैसा मांगे है जेमा पोताना परिवार नु गुजरान थई सके, एना परिवार में कोई भूखो न रहे अने एनी झाड़ी आवनार कोई फकीर कोई साधु होय ते भूखो न जाय, एने वधारे पामवानी इच्छा नथी। बीजानु जोईए तो बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है, तो सोच समझ कर कार्य करना ही बुद्धिमानी है, तो जी बुद्धिशाली मनस गणाय। जो बिना सोचे समझे कार्य करता है उसका कार्य हमेशा बिगड़ता ही है, मतलब एनु काम छे ई हमेशा खराब थाय छे, अने कार्य खराब थाय पछी आपणने पछतावो थाय छे, अने एटलू ज नहीं पण दुनियानी सामे एनी हसी उड़ावे छे लोको, लोको तरह तरह के उसके मजाक बनाते है, अने एवी ज रीते आपणे हमेशा सोची समझीने काम न करिए तो एनु खराब परिणाम आपणे भोगवू पड़े छे। त्रीजो जोईए, चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं, चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं, तो आंसर लिखिए, रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति, उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति पूरे लोगों के साथ रहे रहे तो भी उनसे प्रभावित नहीं होता, तो भी उनसे प्रभावित नहीं होता। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, कोमा परंतु चंदन में उन सांपों का विष, परंतु चंदन में उन सांपों का विष नहीं होता, उन सांपों का विष नहीं होता। सांपों के साथ रहकर भी चंदन उनके विष से दूर ही रहता है, चंदन उनके विष से दूर ही रहता है। पैराग्राफ, इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहकर यहाँ की
बुराइयों से दूर रहता है, यहाँ की बुराइयों से दूर रहता है। पूरा आंसर देख लेते हैं। तो रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनसे प्रभावित नहीं होता। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन के उन सांपों का विष नहीं होता। सांपों के साथ रहकर भी चंदन उनके विष से दूर रहता है। इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहकर भी यहाँ की बुराइयों से दूर रहता है। मतलब कि रहीम माने छे के कोई सारो व्यक्ति होय, सारो स्वभाव वालो व्यक्ति होय, छता ई खराब व्यक्ति साथे रहे तो पण एने खराब व्यक्ति साथे ते मळी शकतो नथी। जेम के चंदनना वृक्ष ऊपर हमेशा साप होय ज छे, परंतु चंदनना वृक्ष ऊपर सापना विषनुं काई असर थती नथी। तो साप साथे रहीने पण चंदननुं वृक्ष छे एनामां विष होतुं नथी। तो एवी ज रीते चंदन अने भुजंगना उदाहरण द्वारा रहीम कहे छे के अगर व्यक्ति सारा स्वभावनो उत्तम कोटिनो होय तो ई संसारमां रहीने पण ई खराब जे बुराइया छे एनाथी हमेशा दूर रहे छे। ओके, तो आपणे अहींया सुधी राखीए छीए। चोथो क्वेश्चन छे ए आपणे नेक्स्ट लेक्चरमां જોઈશું। આ ત્રણ ક્વેશ્ચન અને આગળના જે બે લખાયા તે બરોબર ફેસબુકમાં લખી લેજો। ઓકે, અને આમાં કાંઈ ન સમજાય તો લેક્ચર પૂરો થાય એટલે પૂછી લેજો। ઓકે, થેન્ક યુ।